नमस्ते। आर्ट ऑफ टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ ड्रीम के बारे में, और कार्ड ऑफ ड्रीम को हम कंपेयर कर रहे हैं सिक्स ऑफ कप्स के साथ, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। ड्रीम में जाने से पहले सिक्स ऑफ कप्स की बात करेंगे। सिक्स ऑफ कप्स को समझने के लिए हमें थोड़ा फाइव ऑफ कप्स को थोड़ा सा दोबारा से समझना पड़ेगा। फाइव ऑफ कप्स में हम देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है एक अपने ग्रीफ पीरियड से निकल रहा है, एक दुख के समय से निकल रहा है, और ये अपना पूरा समय लेगा। जब तक कि उसका ग्रीफ का पीरियड पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो मूव ऑन नहीं कर पाएगा। इस कार्ड में बहुत गहरे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, लेकिन अगर हमने छोटा छोटा अगर हमने इसको समझना हो तो कुछ ऐसा समझिए कि जब इसका ग्रीफ का पीरियड पूरा हो जाएगा, जब ये अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देगा, तो ये मुड़ के देखेगा तो देखेगा कि दो कप्स इंटैक्ट हैं, जो कि उसको एक नई ज़िंदगी प्रदान करने के लिए तैयार हैं। और ये दो कप्स जो हैं उसको उसकी तरफ, जब वो दो कप्स की तरफ देखता है तो वो ये भी देखता है कि पीछे जो है एक नया ब्रिज, इस रिवर को क्रॉस करके जो है वो अपना एक नया घर, अपनी एक नई फाउंडेशन बना सकता है, जो कि हम कार्ड में देख सकते हैं। जब हम सिक्स ऑफ कप्स को देख रहे हैं तो हम उसी फाउंडेशन को देख रहे हैं कि दोबारा से ये व्यक्ति जो है अपने हार्ट में वापस आ गया। ये जो दुख के समय से निकला है, ये जो पीड़ा से जो निकला है, उस पीड़ा से निकलने के कारण जो है अपने भीतर उसके एक ऐसी स्थिति बनी है कि वो दोबारा से उसकी जो इनोसेंस है वो वापस आ गई है। इसलिए जब हम सिक्स ऑफ कप्स को देखते हैं तो वहाँ एक देखते हैं कि एक बचपना, एक इनोसेंस, एक दो छोटे बच्चे जो हैं वहाँ पर दिखाए गए हैं, जो कि सिम्बॉलिज्म है अपने आप में कि जब आप अपने हार्ट में वापस आ जाते हैं, दैट इज़ द टाइम यू बिकम इनोसेंट अगेन। तो सिक्स ऑफ कप्स का अगर हम एसेंस की बात करें तो ये कार्ड है जो कि आपको आपकी इनोसेंस की याद दिलाती है, आपको याद दिलाती है कि दैट योर हार्ट इज़ नॉट वेरी फार अवे, कि आपका जो दिल है वो इतना दूर नहीं है, कि आपको बस अपने भीतर मुड़ के देखना है कि वो जो एक्सपेक्टेशन जो बाहर लगाई थी, कि वो जो आशा जो बाहर रखी थी जो पूरी नहीं हुई, उस आशा को जो है अपने भीतर मोड़ लेना है, उस धारा के प्रवाह को जो है भीतर की तरफ मोड़ लेना, ताकि वो राधा हो जाए। और जब वो राधा हो जाएगी, जब वो ऊर्जा जो है आपके भीतर आने लगेगी, देन यू विल बी इनोसेंट अगेन दिस, एंड देन यू विल हैव अ ब्यूटी ऑफ बीइंग अ चाइल्ड अगेन। चाइल्ड जो है सिर्फ शरीर की बात नहीं है, आपके भीतर की मनोस्थिति की बात है। तभी जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि मेरे राज्य में जो बच्चे जैसा है उसको प्रवेश मिलेगा। बच्चे को प्रवेश नहीं कहा, बच्चे जैसे को कहा है। और बच्चे की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम इनोसेंस की बात कर रहे हैं। सो ये था इन शॉर्ट द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ कप्स। अब हम बात करते हैं द कार्ड ऑफ ड्रीम के बारे में। कार्ड में हम देख सकते हैं कि एक लड़की जो है वो एक ड्रीम में खोई हुई है, अपने प्रीतम के बारे में सोच रही है, अपने लवर के बारे में सोच रही है कि एक दिन उसकी शादी होगी, उसका जो लवर है वो घोड़े पे आएगा और उसको जो है भगा के ले जाएगा, और फिर वो सदा के लिए जो है एक अच्छा जीवन जिएंगे। ये जो ड्रीम है, ये जो सपना है, ये ऑलमोस्ट सभी के अंदर जो है अनकॉन्शियसली है, कि भीतर ही भीतर जो है आपको लगता है कि आपका जो है प्रेमी जो है आपके पास एक दिन आएगा। पुरुष हो या स्त्री, दोनों ही गहरे में उस प्रेमी को ढूंढ रहे हैं। द ड्रीम कार्ड जो है वो ये सिग्निफाई करता है कि जिस प्रेमी को आप बाहर खोज रहे हैं, वो प्रेमी बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। जिस प्रेमी को हम ढूंढ रहे हैं, जिसकी हमें तलाश है, वो है परमात्मा की। जो परम प्रेम की जो हम मांग करते हैं, जो हम सोचते हैं कि हमें बाहर से मिलेगा, जो कि हमारा एक सपना है, बहुत गहरा सपना है, जो कि हमारा ड्रीम है, लेकिन वो जैसे जैसे आप अपने भीतर मुड़ते हैं, आपको रियलाइज होता है कि बाहर की सारी ड्रीम्स जो है वो झूठी हैं। ड्रीम ही तो है, झूठी ही होगी ना, सच तो हो नहीं सकती।
चाहे जितना मर्जी आपको दिखे, लेकिन है तो ड्रीम ही। जितना मर्जी आप सोच लें, लेकिन पूरी तो होगी नहीं, क्योंकि है तो स्वप्न, है तो ड्रीम। लेकिन जब हम इस ड्रीम की बात कर रहे हैं, तो गहरे में एक इच्छा है उस प्रेमी से मिलने की, गहरे में इच्छा है अपने भीतर जो है उसको सजो लेने की, उस अपने जो प्रेमी को जो है अपने दिल में बसा लेने की। तो खोज खोज के भी जो है वो बाहर तो मिलता नहीं, लेकिन जब एक दिन जो है जब भीतर की तरफ नज़र मुड़ती है, उस दिन जो है उस प्रेमी को जो है आप अपने भीतर पाते हैं। तो इस ड्रीम कार्ड के अंदर जो सिग्निफिकेंस है, वो कार्ड में सिग्निफिकेंस तो यही है कि हम उस प्रेमी को जो है बाहर की तरफ ढूंढ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे लाइफ की मैच्योरिटी आपके अंदर आती है, ग्रोथ आपके अंदर होती है, तो धीरे धीरे आपको बहुत ही सहज ढंग से जो है आपको एक रियलाइजेशन होना शुरू होता है कि वो जो प्रेमी है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे भीतर ही है। हमारे भीतर जो है पुरुष और स्त्री का, दोनों का एक संतुलन है। जो पुरुष है वो 60% जो है पुरुष है और 40% जो है स्त्री है, और जो स्त्री है वो 60% स्त्री है और 40% जो है वो पुरुष है। जिस दिन जो है वो 60 और 40 जो है दोनों का जो रेशियो है, दोनों का जो परसेंटेज है, वो 50-50 हो जाता है, उस दिन जो है वो भीतर का जो यिन एंड यांग जो है, भीतर की जो मर्ज है, भीतर के जो पुरुष और स्त्री हैं, वो फर्स्ट टाइम जो है मिलना शुरू होते हैं, जिसको हम परम पुरुष और स्त्री का मिलन कहते हैं। और पहली बार जो है आपको गहरे जो है जो आपकी भीतर की जो तृप्ति है वो होनी शुरू होती है। उससे पहले बाहर जो भी करा, उसको जहां भी ढूंढा, वो समय व्यर्थ ही गया। व्यर्थ कह रहा हूं, लेकिन वो भी जरूरी है, मैं ये भी समझता हूं, क्योंकि जब तक कि बाहर नहीं देखेंगे तब तक भीतर भी जाना मुश्किल है। बाहर जो है खोज लें, अच्छे से देख लें, किसी के साथ संबंध बना के गुजर जाए, और फिर इवेंचुअली वापस जो है अपने घर ही आना है। इस चीज की गहरी अंडरस्टैंडिंग जो है आपको समय के साथ जो है जरूर मिलती है। प्रॉब्लम तब है जब आप इस सत्य को जो है इससे लड़ते हैं, जब इस सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, कि जब उस प्रेमी को जो है आप बाहर ही ढूंढे जाते हैं, और जितना बाहर ढूंढते हैं उतना जो है आपको दुख और पीड़ा के सिवा और कुछ नहीं मिलता, और बाहर देखने के कारण जो है तकलीफ बढ़ती चली जाती है, क्योंकि भीतर जो है आपके जो है एक मांग बढ़ती चली जाती है कि उस प्रेमी को लेकर आओ, उस प्रेमी को मुझसे मिलाओ, और ना मिलने के कारण जो है ये जो डिस्टेंस जो क्रिएट होता है उसके कारण जो है वो पीड़ा बढ़ती चली जाती है। और होता ये है बहुत बार कि हम उस फिर बाहर और भी ज्यादा तेजी से ढूंढते हैं, हमें लगता है कि शायद हमने एफर्ट कम करा, तो हम और अच्छे से ढूंढते हैं बाहर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अगर आप आंख जो है अपनी जो है जितनी साफ रखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि बाहर कोई मिल भी जाए तब भी तृप्ति नहीं मिलती। आपके जो भीतर की जो एलोननेस है वो तो बढ़ती नहीं है। बाहर कोई भी मिल जाए तब भी जो आपका भीतर का जो अकेलापन है, जो आपका भीतर का कैवल्य है, वो तो कभी बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि कैवल्य अपने आप में कंप्लीट है। जो तृप्ति जो आप ढूंढते हो वो आपको अपने भीतर ही मिलनी है। तो गहरे में जो कार्ड का जो मैसेज है, द कार्ड ऑफ द ड्रीम का, वो यही है कि जिस प्रेमी को आप बाहर ढूंढ रहे हो उस प्रेमी को अपने भीतर ढूंढना शुरू करो, और उस बाहर की ड्रीम से जाग के उस भीतर की जो सत्य का जो उस भीतर के सत्य के साथ जो है जुड़ना शुरू करें। ये है गहरे में द कार्ड ऑफ ड्रीम का मैसेज। और ओशो का मैसेज जो है इस कार्ड में भी यही है
कि आप अपने अकेलेपन को स्वीकार करिए, उसके साथ लड़िए मत, उससे भागिए मत। ये आपका परम सत्य है कि आप यहाँ पे अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। और इस फैक्ट को जितना गहरे जो है इसको उतर जाने देंगे, उतना जो है आप रेडी हो जाएंगे उस परम प्रेमी को अपने जीवन में उतारने के लिए। और जब तक कि वो परम प्रेमी जो है आपके हृदय में नहीं उतर जाता, तब तक तृप्ति नहीं है, तब तक खोज जारी रहती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एटलीस्ट जब ये रियलाइज हो जाए कि बाहर नहीं है, तो एटलीस्ट जो सर्च है, जो आपकी खोज है, वो एटलीस्ट सही डायरेक्शन में शुरू हो जाती है। एक बहुत ही प्यारी कहानी एक संत की है। वो एक दिन जो है अपने झोपड़ी के बाहर जो है कुछ ढूंढता हुआ दिख रहा था, और बूढ़ा था और लोग उसको प्रेम भी करते थे, तो लोग जो है उसके पास आ गए और उसको पूछा कि बाबा क्या ढूंढते हो, बोलो हम ढूंढ देते हैं। तो संत ने कहा कि मेरी ना सुई खो गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उसको ढूंढने में? तो लोगों ने कहा हाँ क्यों नहीं। तो सारे के सारे लोग जो हैं उसकी सुई को ढूंढने में लग गए। तो ढूंढते ढूंढते जो है घंटे बीत गए, तो फिर लोगों ने कहा कि बाबा आपको कुछ आइडिया है कि कहाँ गिरी है? तो हम वहीं पे ढूंढें, और अंधेरा भी होता जा रहा है। तो संत ने कहा कि देखो गिरी जो है वो तो भीतर झोपड़ी के अंदर है, लेकिन मैं ढूंढ बाहर रहा हूँ। लोगों ने भी हैरानी से पूछा कि बाबा सब कहते थे तुम पागल हो, और अब लगता है कि मानना ही पड़ेगा कि तुम पागल हो। जब सुई आपकी जो है जब भीतर गिरी है, तो आप बाहर क्यों खोज रहे हो? तब उस संत ने कहा यही चीज़ मैं तुम लोगों से भी पूछना चाहता हूँ। उस परमात्मा को, उस प्रेमी को जो है तुम बाहर खोज रहे हो, जब वो खोया तुम्हारे भीतर है तो बाहर क्यों खोजते हो? तो ये स्टोरी से आपको जो है एक एक याद, एक आपको जो है एक ग्लिम्स उस परम प्रेमी का जो आपके भीतर ही है, बस आँख मोड़नी है, वो जो ऊर्जा जो बाहर बहती है उसको अपने भीतर वापस प्रवेश दे देना है। और सुंदर से सुंदर ड्रीम्स क्यों ना हो, सुंदर से सुंदर स्वप्न क्यों ना हो, है तो स्वप्न ही, स्वप्न का स्वभाव है टूटना। आप उसको जितना रियल माने, अगर उसके साथ आशा बंद गई, और जब भी वो सपना टूटेगा तो अंदर से दुख ही होगा। ये ओशो ज़ेन टैरो का जो ड्रीम कार्ड है आपको रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा है उस ड्रीम के बारे में, उस स्वप्न के बारे में जिसके साथ आप उलझे हुए हैं, जिसके साथ आप अटके हुए हैं, जिसके साथ आपने आशा बांध रखी है। अब उससे मुक्त होना शुरू हो जाइए। अब उस ऊर्जा को, इतना बाहर ढूंढा, अब उस ऊर्जा को एक भीतर की डायरेक्शन दीजिए। अब उस प्रेमी को जो है अपने भीतर खोजिए। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है लाओ तुज़ू की। एक दिन लाओ तुज़ू जो है रोज जैसे प्रवचन देते थे, वो अपने स्थान पे आए और बड़े उदास होकर बैठ गए। तो उनके शिष्य जो है उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो बड़े गंभीर और बड़े उदास बैठे हुए थे। तो शिष्यों से नार आ गया। शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी क्या हुआ, आपको ऐसे कभी उदास नहीं देखा, आप बड़े परेशान लगते हैं। तो लाओ तुज़ू ने कहा कि हाँ मैं परेशान तो हूँ, एक बहुत ही दुविधा में फंसा हुआ, हो सकता है तुम लोग मदद कर दो। तो शिष्यों ने कहा हाँ बताइए हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो लाओ तुज़ू ने कहा कि रात को मैंने एक सपना देखा, सपने में देखा कि मैं तितली हूँ और मैं फूल, एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल पे जा रहा हूँ और रस चूस रहा हूँ, ये मैंने सपना देखा। तो शिष्य ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सपने में तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप कुछ के कुछ हो जाते, सपना ही तो है। तो लाओ तुज़ू ने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन अब मैं जाग गया हूँ और मैं पा रहा हूँ कि मैं लाओ तुज़ू हूँ। मेरी दुविधा ये है कि क्या पता वो तितली अब सपना देख रही हो कि वो लाओ तुज़ू हो गई है, कौन रियल है इसमें, कौन सत्य है, लाओ तुज़ू सत्य है या वो तितली सत्य है, तितली सपना देख रही है या लाओ तुज़ू सपना देख रहा है। तो इस कहानी के थ्रू
लाओ तुझू जो है सिर्फ एक छोटा सा एक इशारा दे रहे हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं जो घट रही हैं, जिनको आपने बहुत सीरियसली ले रखा है तो स्वप्न ही, सब कुछ ए टू जेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ये लाओ तुझू का कहना है। तो वो यही कहते हैं कि इस ड्रीम से जागिए, इस स्वप्न से जागना शुरू कीजिए और अपनी रियलिटी में वापस आना शुरू कीजिए। तो इस वीडियो का यही अंत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।